देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आरजे न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋषभ देव। नियमित शिक्षकों की भर्ती 2019 की देरी में होने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल पुहेंडी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सभी कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे हैं। चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी आमरण अनशन पर बैठी है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल पुहेंडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में व्यापम के माध्यम से 14,580 शिक्षकों का चयन हुआ है। युवाओं ने कंपटीशन एग्जाम दिलाकर अपना चयन सुनिश्चित कराया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कई महीनों से नियुक्ति नहीं कर रही है। आप पार्टी सरकार से कई मांग करती है कि इन युवाओं को जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए। कुछ दिन पहले एक बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह किया था, लेकिन आप पार्टी मांग कर रही है कि शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द किया जाए। आम आदमी पार्टी बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति तो होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ सरकार की जितने भी खाली रिक्त पदों की सूची तैयार करके सभी रिक्त पदों पर पढ़े लिखे रोजगार युवाओं को नियुक्ति करने की बात कही है। देखिए, जब भूपेश सरकार चुनाव के दौरान गांव-गांव जा रही थी, शहरों में गांवों में उन्होंने तमाम युवाओं को एक सपना दिखाया था कि एक ऐसा सपना कि युवाओं को लगने लगा था कि हाँ, भूपेश सरकार ही है जो युवाओं का ख्याल रखेगी, युवाओं को नौकरी देगी, युवाओं को रोजगार देगी। और उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की भी बात की थी। युवा आज हम लोग आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोमल पिंडी जी आज आमरण अनशन पे हैं। आमरण अनशन मतलब छोटी बात नहीं है। उन्होंने अपनी जीवन को दांव में लगा के आज ये आमरण अनशन कर रहे हैं। शिक्षा कर्मी जो भर्ती है, जो 14,580 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है, उसके लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आमरण अनशन पर है। आप सोच सकते हैं, 15,000 शिक्षकों को आपने विज्ञापन निकाला, विज्ञापन निकालने के बाद आपने 1.5 साल लगा दिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नियुक्ति देने में, लेकिन आज तक उनको नियुक्ति नहीं दे पाए, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में हम जो बेरोजगारी की बात करते हैं, तो खाली शिक्षा विभाग में जब छत्तीसगढ़ बना तो लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता थी, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि आज तक जितने भी सरकारें आई हैं, आज तक 60,000 शिक्षकों का पद रिक्त है। मतलब 20 साल में 60,000 शिक्षक अभी भी खाली हैं। और सरकार ने वादा किया था कि हम जैसे सरकार बनाएंगे तो तमाम शिक्षक को जो पद है उनको भरेंगे, और तमाम जो विभाग हैं सरकारी विभाग उनमें जितनी वैकेंसियाँ हैं उसको तत्काल से तत्काल भरेंगे। तो हमारा ये मांग है, एक तो सरकार बेरोजगारों का श्वेत पत्र जारी करे, जितने विभाग में खाली हैं पद, जितने सरकारी विभाग में पद खाली हैं, उतने विभागों का श्वेत पत्र के माध्यम से एक जारी करे कि हमने फलाना फलाना विभाग में इतने हमारे पद हैं, इतने रिक्तियां हैं। और हमारी ये मांग है, आप श्वेत पत्र जारी करें और उस हिसाब से जो खाली जो पद है उसके तत्काल सरकार भर्ती करे। दूसरी चीज, आपने कहा था, भूपेश बघेल का मैं कोट बोलता हूँ, भूपेश बघेल जी ने कहा था, छत्तीसगढ़ में 25 लाख रजिस्टर बेरोजगार हैं और 25 लाख ऐसे बेरोजगार हैं जिनका पंजीयन नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ में 50 लाख बेरोजगार हैं, तो कहाँ है 50 लाख बेरोजगार? 50 लाख बेरोजगार हैं तो आपने जो वादा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर आप रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि अगर आप सरकारी वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 14,580 शिक्षकों का चयन हुआ है व्यापम के माध्यम से, युवा साथियों ने कंपटीशन करके अपना चयन सुनिश्चित कराया है, किंतु सरकार कई महीने हो गए उनकी नियुक्ति नहीं कर रही है, काफ़ी लेट लतीफ़ी कर रही है। आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इन युवाओं को तत्काल नियुक्ति दिया जाए।